पूरी जमानत याचिका पर कल होगा फैसला। आज भी जेल में ही रहेंगे सलमान। अयोध्या विवाद पर आज होगी अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद को लेकर करेगा विचार, साथ ही मस्जिद के इस्लामिक होने पर भी होगा विचार। बीजेपी का 38वां स्थापना दिवस, मुंबई में 3 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई, ऐप के जरिए करेंगे आज कार्यकर्ताओं से बातचीत। मिर्जापुर में एडीएम ने की वीडियो के साथ बदसलूकी, मामले पर कार्रवाई न होने से नाराज हुए कर्मचारी, कर्मचारियों ने की एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और यूपी के मैनपुर में सड़क पर खड़ी एक मारुति वैन कार में लगी आग, आग लगने से कार जलकर हुई खाक, आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नमन किया है। कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को बेहतर और मजबूत करने की दिशा में समर्पित और बीजेपी को बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के त्याग और उनकी वीरता को हम गौरव से याद करते हैं। इसके आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी के लिए उनके कार्यकर्ता ही सब कुछ है, वे पार्टी की आत्मा और दिल है। आपको बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 3 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सलमान खान को आज जमानत नहीं मिलेगी, अब उन्हें एक दिन और जेल में रहना पड़ेगा। सीजीएम जोधपुर के फैसले के खिलाफ आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन जज रविंद्र कुमार जोशी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब वो शनिवार सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने सलमान को 20 साल पहले 2 काले हिरणों के शिकार का दोषी पाया था और उन्हें 5 साल की सजा और 10,000 रूपये जुर्माना लगाया था। वहीं खबर मिर्जापुर से, जहां स्वच्छता अभियान को लेकर बीजेपी को गहरा झटका लगा है। दरअसल एडीएम ने वीडियो के साथ बदसलूकी के मामले में पूरा काम ठप कर दिया है और वहीं इस मामले में कार्रवाई न होने से नाराज विकास कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते जिले के 12 ब्लॉक में पीएम आवास से लेकर शौचालय निर्माण तक निगरानी कार्य रुक गया है और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आरोपी एडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग इलाके में कोई विकास कार्य नहीं करेंगे। वहीं यूपी बिजनौर के थाना क्षेत्र चांदपुर के एचडीएफसी बैंक में उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक व्यक्ति अपने पेट पर नकली बम लगाकर बैंक में आ धमका। पेट पर नकली बम लगाए व्यक्ति ने मैनेजर पर दबाव बनाते हुए नकदी की मांग करने लगा और वहीं बैंक में तैनात गार्डों ने लोगों की मदद से व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति गजरौला के निवासी है। बैंक में जाने के बाद उसने कुछ पेड़ बांध रखा था। तो उसने क्या कहा मैनेजर साहब से? बम लगा रखा था। एचडीएफसी बैंक जो चांदपुर कस्बे में स्थित है, इसमें आज दोपहर के पास आसपास एक घटना होती है जिसमें एक रोहितास नाम का व्यक्ति है जो उसने अपने कमर में एक बेल्ट बांध रखी थी जिनको हार्नी आने की प्रॉब्लम होती है, उस तरीके की एक बेल्ट बांध रखी थी। उस बेल्ट में उसने एक इन्वर्टर की जो है प्लेट्स थी और 2 कंडेंसर थे जो आपस में जुड़े हुए। वहीं अब खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां सड़क पर खड़ी एक मारुति वैन कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और थोड़ी देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फिलहाल कार में आग कैसे और क्यों लगी इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री का पद मिलने से 2 हिंदू संतों ने सरकार के खिलाफ प्रस्तावित नर्मदा घोटाले की रथ यात्रा रद्द कर दी है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की भाजपा सरकार ने 5 हिंदू संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, जिनमें नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, कंप्यूटर बाबा, भैयू महाराज और पंडित योगेंद्र महंत शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को इन 5 संतों को नर्मदा नदी संरक्षण के लिए स्थापित एक समिति के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं यूपी सरकार के लाखों कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में राशन की कालाबाजारी पर रोक नहीं लग रही है। कालाबाजारी के चलते आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला देखने को मिला यूपी के कुशीनगर में, जहां कोटेदार लगभग 12% राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस बात की खबर होने के बाद भी ना तो प्रशासन कोई कदम उठा रहा और ना ही अधिकारी। देखिए इस रिपोर्ट में।
गरीबों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए सरकार ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली को लागू कर दिया है, लेकिन वर्तमान समय में ये राशन वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों की मोटी रकम कमाने का एक जरिया भी बन गया है। एक तरफ कोटेदारों को राशन तोल कर नहीं दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन कोटेदारों से औसतन राशन की कालाबाजारी ठेका भी लिया जा रहा है। इसके कारण कोटेदारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं उच्च अधिकारियों की उदासीनता का आलम यह है कि जिले के किसी भी FIC गोदामों का स्टाफ की जांच नहीं की जा रही है, जिससे FIC गोदामों के प्रभारी आसानी से कई कोटेदार का राशन एकत्र करके निकासी के समय आसानी से बाजार में बेच दे रहे हैं और तयशुदा हिस्सेदारी के आधार पर कोटेदार और अधिकारी पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। लापरवाही कहने का मतलब यहाँ काटा नहीं है वो उपलब्ध, जिसके वजह से जो तौल नहीं हो पाता है। अगर हम लोगों को सुबह होता है कि ये बोरा गलत है, तो हम लोग तुरंत कांटे जो है कंप्यूटर वाला उस पर हम लोग तौल करा करके चेक भी कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत। यहाँ तो अगर नहीं तौल हो रहा है तो लापरवाही तो यहाँ विभाग की जाएगी। यहाँ से कम नहीं, 50 ग्राम तो वेरिएशन होता है, उसको इधर थोड़ा सा घुमा के देख लीजिए, हो सकता है चार्ज ना हो, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए जी। चार्ज अगर ना हो तो पूरा डिस्प्ले दिखाएगा या नहीं दिखाएगा या कम दिखाएगा? नहीं, हो सकता है अभी कम, अगर कोई भी आएगा इसको गलत ही कहेगा। कहने का मीन्स ये हो कि स्थिति, आप क्या मान रहे हैं इस चीज को? जैसे 50 ग्राम अगर होता है वेरिएशन तो हम तो लोग तो वेरिएशन में जानते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो कुशीनगर से पुराना नाता रहा है। वो बतौर गोरखपुर सांसद राशन की कालाबाजारी को लेकर कई बार यहां धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर चुके हैं। गजब की बात तो ये है कि इस मामले की शिकायत मिलने के बाद भी इसकी जांच नहीं की जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, DSO की जिम्मेदारी है कि कोटेदारों के घर अनाज तौल के जाए, और जब तौल के जाएगा तभी वो मानव के अनुरूप वितरण कर पाएंगे। और नियम तो बनाया गया है कि एक एक बोरा का वजन हो, कांटे का वजन हो, उनके घर जाके तीन तीन स्तर पर जांच होती है, लेकिन सारी एजेंसियां अपने कामों में शिथिल पड़ी हुई हैं, इसी के नाते ये कालाबाजारी हो रही है। खाद्यान्न घोटाला आज का नहीं है, पिछले 2 दशकों से बड़े पैमाने पर इस जिले में खाद्यान्न घोटाला हो रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार मुख्यमंत्री बनने के पूर्व सपा बसपा की सरकारों में इस जिले में भूख से हो रही मौतों और कुपोषण के खिलाफ स्वयं धरना दिया है, वो स्वयं भी वाकिफ हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद जो लोग भी खाद्यान्न लूट और घोटाले में शरीक रहे हैं, उनके कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और बदस्तूर खाद्यान्न की तस्करी, लूट और कालाबाजारी जारी है। वहीं जिले के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने राशन की कालाबाजारी का सवाल किया गया तो उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने की बजाय मशीन लग जाने पर राशन की कालाबाजारी खत्म होने की बात कही। ये जो खाद्यान्नों का प्रश्न है, इसमें जो हमारे नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर POS मशीन लगाए जाने की बात आपकी जानकारी में है, और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी जून के अंत तक POS मशीन लगाई जाएगी ताकि जिन लोगों के कार्ड बने हुए हैं उनको खाद्यान्न मिला या नहीं यह सुनिश्चित हो सके। कुशीनगर में लंबे समय से चल रहे इस काला बाजारी को लेकर ना तो प्रशासन कुछ बोल रहा है और ना ही मुख्य सचिव। अब आगे देखना ये होगा कि जिले के दौरे के समय राशन की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद इन राशन माफियाओं और अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। कुशीनगर से आसिफ खान की रिपोर्ट, नेशन लाइव। वहीं अगली खबर इटावा से, जहां मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन ने से कछुओं के निकाले जाने के केल्पी तस्कर को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली लगभग 26 किलो से अधिक केल्पी और 35,000 की नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि इसको औरैया से खरीदा गया है और बंगाल के मालदा में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं गैंग का एक तस्कर अभी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रेलवे स्टेशन तो वहाँ पर एक जो स्मगलर था, एक इंडिकेटर जो बताया उसने मुखबिर ने, जैसे इशारा किया तो दो लोग थे, ये तो एक तो भाग गया, एक मान लिया उसको पकड़ लिया, बैग डाले, इसी की ओर इशारा था।
वहीं यूपी के इटावा में अधिकारियों की मिली भगत से हो रही सरकारी गेहूं की कालाबाजारी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ताखा तहसील के ऊसरहार कस्बे का ये पूरा का पूरा मामला है। वहीं यूपी के हाथरस में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर इसको लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कॉलेज स्टाफ ने कॉलेज का गेट भी बंद कर दिया और कॉलेज प्रिंसिपल का पुतला भी फूंका गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर में यमुना बचाओ रैली का शुभारंभ किया जाएगा। इस रैली की शुरुआत 7 अप्रैल को होगी और इस रैली के जरिए यमुना कटरी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा और साथ साथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इस बात की जानकारी बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह ने प्रेसवार्ता करके दी। उत्पन्न नहीं हुई है और ये प्रयास जमुना के किनारे जो हो रहा है ये अपने आप में पहला प्रयास मुझे लगता है होगा। 68 गांवों को छूकर उन सारे गांवों में जागृति की बिगुल बजाएगा। हम सबके अगुवा हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हैं, हमारे फिलोसोफर गाइड हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के फिलोसोफर गाइड हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी। वहीं अब खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां गांव नगला गुलाल में एक तालाब का दूषित पानी पीने के से करीब 50 गायों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद तकरीबन 11 गायों की मौत हो गई और गायों की मौत पर की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 40 गायों का अभी भी इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद तालाब का पानी पीने से गायों की हालत खराब हो गई। सब गिरोह से आए ग्रावली को फुल क्रॉस करके पानी पिलाया बारिश हुई है, तो पानी पिलाते गाय दो टेना पानी पिया, दो टेना में से बीमार हो गई और एक टेना पानी नहीं पिया उससे बीमार नहीं है। लोग बाहर गाँव के वो मच्छी पकड़ रहे हैं। मामला गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का है, जहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला ने स्टेशन रोड पर एक बच्चे को जन्म दिया। मौके पर मौजूद दो महिलाओं ने चादर ढककर महिला को सुरक्षित करके प्रसव में मदद कर मातृत्व के कर्तव्य को निभाया। वहीं महिला के पति का आरोप है कि एक घंटे पहले एम्बुलेंस को फोन किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस बच्चे के जन्म लेने के बाद पहुंची। तो इस ये जांच का विषय है कि भाई एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची या क्या बात है, इसके लिए मैंने जो एम्बुलेंस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और जो गुन्नौर के सीएससी इंचार्ज हैं उनसे इस बारे में जांच के लिए मैंने उनको लिखित आदेश कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निजी स्कूलों के लिए चाहे कितने भी कानून बना ले, लेकिन निजी स्कूल संचालक हैं कि अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं, जिससे नाराज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज फवारा चौक पर एकत्रित होकर निजी स्कूल संचालकों का पुतला फूंका और अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों को ठगने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, जिसके आगे अभिभावक लाचार हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष चाहिए, दो महीने निजी स्कूलों की मांग विरोध करता हुआ आया है। निजी स्कूल संचालक री एडमिशन के नाम पर, विकास के नाम पर, कभी पुलिस के नाम पर और कई अन्य अन्य नाम रखकर विरोध करते हैं। जहां सरकार एक और शिक्षक को लेके बड़ी सख्त है, वहीं स्कूल से जुड़ी कर अभिभावक करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शिक्षक में और अभिभावकों के बीच में निजी स्कूल तुरंत प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध हमारी ये मांग है सरकार से कि वो कार्रवाई से कार्रवाई की जाए। वहीं योगी सरकार में बदमाशों के सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के बाद भी बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। यूपी के मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बिछिया से एक महिला की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। और आपको बता दें कि 2 वर्ष पहले महिला के पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके केस की गवाही देने महिला कोर्ट जा रही थी तभी उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो साल पहले उसकी पति की हत्या हुई थी, उसमें गवाह बताई जा रही है। आज सुबह बताया जा रहा है कि उसकी आयु पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गोली मार हत्या कर दी है। दिन आ चुके हैं उनके द्वारा जो उसकी पति के हत्या आरोपी थे उन्हीं पे जो है बताया कि हत्या कराई गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए नेशनल लाइव।
मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति, और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। योगी सरकार जहां अपराध को खत्म करने की बात कह रही है, वहीं अपराध कम होने का नाम भी नहीं लेता है। यूपी के शाहजहांपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पड़ा हुआ है, मौके पर जाकर फोर्स आर्मी पहुंची और हम लोग भी मौके पर पहुंचे। तो एक लगभग 20-22 साल का युवा है, उसको बाई तरफ गोली मारी गई है, मोटरसाइकिल उसका सामान भी है, लेकिन काफी टाइम होने के बाद उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। अभी फिलहाल उसकी मोटरसाइकिल पीछे जिस नंबर से उसमें नाम निकला पहचान हो गई, वकार नाम का ये युवक है और इसके पिता का नाम जुर्मा है, यही कस्बे का रहता है। वहीं यूपी के कुशीनगर में कभी राशन की कालाबाजारी की खेप पकड़ी जा रही है, तो कभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बटने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी हो रही है। ताजा मामला तरिया सुजान थाना क्षेत्र का है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र पर बटने वाले पुष्टाहार को बिहार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 70 बोरे बाल पुष्टाहार को बरामद किया। और वहीं इस कालाबाजारी को लेकर उच्चाधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि सरकार ने पुष्टाहार की कालाबाजारी रोकने के लिए उनके पैकेट पर बारकोडिंग करने का की बात कही है, और साथ ही पुष्टाहार की सप्लाई सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों से की जाएगी। कार्रवाई हुई, बोरियों की शिनाख्त हो रही है, किस प्रोजेक्ट की है, ज्यादातर इसमें कसया के हैं, 3-4 बैग अभी तक मिले हैं शहर के, और कुल टोटल 70 बैग हैं इसमें। बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास यहाँ के एक सिपाही और एक थानेदार नंदा प्रसाद। वहीं यूपी के कुशीनगर में कसया न्यायालय परिसर में बोलेरो चोरी करके भाग रहे शातिर वाहन चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वाहन चोर गाड़ी
को बिहार ले जाने की पूरी तरह से फिराक में थे, लेकिन गाड़ी में ट्रैकर होने की वजह से पुलिस को गाड़ी की लोकेशन की जानकारी मिलती रही, जिसके बाद यूपी बिहार की सीमा पर पटहेरवा थाने की पुलिस ने वाहन चोरों की गाड़ी के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के पास से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस के साथ गाड़ियों का लॉक खोलने का वाला उपकरण भी बरामद किया है। और तमकुही राज पुलिस को भी जो है अलर्ट कर दिया गया था और कसिया थाना अध्यक्ष भी अपना वो भी पहुंच गए थे मौके पर जहां से चोरी हुई थी। तो उस गाड़ी में जो बोलेरो चोरी हुई उसमें ट्रैकर लगा हुआ था और ट्रैकर के द्वारा पता चला कि ये गाड़ी बिहार की तरफ जो है पटहरवा थाना से होते हुए ले जाई जा रही है। बरामदगी जो की गई है एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ ही एक 12 बोर का कट्टा है और एक जिंदा कारतूस है, दो मोबाइल है उसके साथ सैमसंग के और इसके साथ एक पेचकस नुमा चाबी बरामद की गई जिससे कि वो लॉक तोड़ करके और गाड़ी चुरा करके लेकर के भागा। वहीं यूपी की बदायूं में पुलिस को एक सफलता मिली है, जहां पुलिस ने लूटपाट को अंजाम देने वाले आरोपियों का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। अंजाम दिया था जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था, विवेचना प्रचलित थी। आज दिनांक को थाना पुलिस द्वारा दो बदमाशों को पकड़ा गया जिनके नाम एक अश्विनी कुमार दूसरा अचिन, ये दोनों परसिया गांव के रहने वाले हैं। लूटा गया माल इनके पास से बरामद। वहीं अगली खबर आगरा के थाना डोकी क्षेत्र से, जहां लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए जिससे ट्रॉली में सवार तकरीबन 25 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पीआरबी 7 ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सीडेंट बमरौली के नाली तरफ से ट्रैक्टर आ रहे हो और मदुरई साइड से गाड़ी आ रही। तो कितने लोग घायल हैं एक्सीडेंट में? जिंदा लोगों को अपने जिंदा होने के लिए प्रशासन से गुहार लगानी पड़ती है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी चंद पैसों के लिए किसी गरीब व्यक्ति को मृत घोषित करने में संकोच नहीं करते। ऐसा ही एक मामला यूपी के हाथरस की सादाबाद तहसील से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहा है और बुजुर्ग ओम प्रकाश मढ़ा भोज गांव का रहने वाला है। बुजुर्ग किसान को सरकार के कर्ज माफी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकारी अभिलेखों में उसे मृत घोषित किया गया है। बहरहाल उप जिलाधिकारी ने बुजुर्ग किसान को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मामला जो वायद साहब आए पटवारी में मृत घोषित कर दो, फिर दानते मिल के का जाए वो पैसा न मिल जाए छूटा के। तो किसान को मृत घोषित कर दिया लेखपाल ने, क्या मामला है? वो आकर के इस तरह की शिकायत की है तो इसके संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया गया है, वो जांच करके 3 दिन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल लाइव। है उसे जरूरत है दिशा की, अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की, अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी
हर खबर हिंदुस्तान की।